जब आप एक सिस्टम में अपने आप को डाल देते हैं, उस सिस्टम पे आप भरोसा करते हैं, तो फिर मतलब वो सिस्टम आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर देता है। और मैं मानता हूँ कि वो मेरी लाइफ का अब तक का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है जी। जिस तरह का मेरा रिजल्ट आया है, तो फिर सही डायरेक्शन तो मेरे को एलन ने दे दी थी और हार्डवर्क मैं करता गया पूरे साल। और एलन वाकई में एक महान संस्थान, मैं कहूँगा एलन को आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अस फॉर पार्ट ऑफ इट। कुछ नहीं करना आपको, आप बस आँख बंद करें और बस अंधेरे रास्ते पर आप चलते जाएं चलते जाएं। और उजाला थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएगा। वी ऑल वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ। वेल देर आर फ्यू पीपल हु वर्क रियली हार्ड एंड मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू। Today we are going to hear one such story. We have Dipanshu with us, जिन्होंने drop लिया था और अभी JEE Advanced 2023 में उन्होंने crack किया है exam और now he is a topper, one of the toppers. So welcome. Thank you, ma'am. Congratulations. Dipanshu, सबसे पहले अपने बारे में बताइए. Where are you from? What your parents do? Thank you, ma'am. I am Dipanshu and I am from Haryana. Okay. Haryana में एक छोटा सा शहर है गोहाना। Okay. तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। okay. तो मेरी फैमिली में मेरे दादा हैं, मेरे दादी हैं, मेरी मम्मी हैं और मैं हूँ। मेरे फादर की मतलब ड्यू टू हार्ट अटैक ही डाइड 5 to 6 ईयर्स अगो। सो यस मैम। एंड माय मदर इज़ अ संस्कृत लेक्चरर, शी टीचेस संस्कृत टू 9th to 12th क्लास इन अ नियर बाई एरिया इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और ये बताइए कितने भाई बहन हैं आप? जी मैम मैं अकेला ही हूँ। अकेले हैं। अच्छा बचपन से कैसे थे? स्टूडियस थे, पढ़ाई का माहौल था घर में, मम्मा संस्कृत पढ़ाती हैं आपने बताया। सो हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप इन हरियाणा? तो बचपन से ही मेरी जो मदर थी उनका पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था। वो मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स क्लियर किए हैं गवर्नमेंट टीचर लगने के लिए जी। तो वो खुद भी पढ़ती थी और वो बचपन में मेरे को भी बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। okay. और तो मतलब बचपन में तो वही एक तरह से मेरी टीचर भी थी, मेरी okay. मदर भी थी जी। तो सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। और बस तो फिर मतलब अच्छे से एक बार उन्होंने मुझे पढ़ाई के रास्ते पर लगा दिया था जी। और फिर तो मैं पढ़ता ही गया और नए रास्ते फिर मेरे को दिखते गए जी। और फिर जो मेरे को सब्जेक्ट अच्छे लगते थे वो मैंने फिर आगे अपनी लाइफ में चूज किए और बस फिर मैं पढ़ता गया। अच्छा दीपांशु, आपने ड्रॉप लिया था, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि वो जो एक साल आपने अटेम्प्ट भी दिया तो वो जर्नी कैसी थी और क्या सीखा उससे आपने एक साल में? तो मैम जब मैं 10th क्लास मैंने पास की थी तो उसके बाद कोविड आ गया था। okay. तो उसके बाद 11th और 12th क्लास में मैं ज़्यादातर घर ही रहा अपने घर okay. से ही ऑनलाइन जैसे भी पढ़ाई हो पाती है जी. तो वो मैंने करने की कोशिश की पर उसमें मैं फील करता था ये कि कुछ कमी थी उस तैयारी में। okay. और मतलब वो तैयारी सफिशेंट नहीं थी जो मतलब जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन तक मैं पहुँचना चाहता था। okay. तो फिर तब मैंने डिसाइड किया कि और मेरी JEE एडवांस 2022 में जी। मेरी 5920 रैंक आई थी। okay. तो मैं तो खुश नहीं था उससे और okay. मेरे को लगता था कि अभी मेरे को और अच्छे से तैयारी करनी है और अभी मेरे सब्जेक्ट्स भी वीक हैं। okay. तो मैंने तो फोकस किया था कि मैं अपने जो मैथ्स और फिजिक्स की जो मेरी नॉलेज है okay. उसको थोड़ा और अगर एक साल में और अच्छे से कर पाऊँ तो फिर मैं एक अच्छी रैंक ला सकता हूँ। मेरे okay. को अपने आप पे ये विश्वास था। okay. तो फिर मैंने ये सोच के अपने पेरेंट्स को और घर वालों को मैंने ये बताया कि मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ और फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि मेरे को ऑफलाइन पढ़ना है एक साल okay. ताकि मेरे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो फिर ये सोच के मैं 16 सितंबर को मैं दिल्ली से कोटा की मैंने ट्रेन पकड़ी थी okay. और 21 सितंबर से हमारा यहाँ पे एलन कोटा में लीडर फेज 6 का बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो बस और मैं मानता हूँ कि वो मेरी लाइफ का अब तक का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है जी। जिस तरह का मेरा रिजल्ट आया है और मतलब मेरा पूरा पिछले 8-9 महीने का एक्सपीरियंस रिजल्ट के अलावा भी जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ रहा okay. पूरे कोटा में और एलन पूरे एलन ने मतलब जिस तरह से मेरे को स्वीकार किया, मेरे पे भरोसा जो एलन ने किया और
तो मतलब मैं एक ही बात कहूंगा कि थैंक यू एलन, यू चेंज्ड माय लाइफ. ओके, इट डिड एक्चुअली चेंज योर लाइफ, और आपने भी मेहनत की. अच्छा दीपांशु, ये बताइए, जब आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे अभी देख रहे हैं जिनके बच्चों ने ऑलरेडी ये डिसीजन लेने वाले हैं. हमने इससे पहले अरण्य से भी बात की थी, उन्होंने भी ड्रॉप लिया था, एंड जब ड्रॉप लेने के बाद उनको एक सिस्टम मिला तो ही रियली शाइन थ्रू और उन्होंने क्रैक कर लिया. तो जब आपने पहली बार पेरेंट्स को बताया, घर वालों को, दादा दादी मम्मी को बताया, तो कैसे कन्विंस किया, ज़रूरत पड़ी भी या नहीं, और उनका क्या रिएक्शन था, क्या मानना था उनका? जी मैम, मेरे को तो एक्चुअली कन्विंस करना पड़ा था. तो वो तो कहते थे कि 6000 रैंक है तो कहीं पे भी ले ले एडमिशन. जी जी, तो मतलब मेरे को तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ी थी घर में सबको कन्विंस करने के लिए. जी, लेकिन आखिर में वो कन्विंस हो गए थे और वो एक तरह से मेरी भावना समझ गए थे कि मैं क्यों ड्रॉप करना चाहता हूँ. और अगर कोई भी सुन रहा है जी, और वो अगर ड्रॉप लेने का डिसीजन अगर कोई लेने की सोच रहा है जी, तो उसके मतलब मैं उनको एडवाइस दूंगा कि अगर आपका खुद का मन है ड्रॉप लेने का जी, तभी लें जी. अगर खुद आपको लगता है कि आप एक साल बहुत मतलब तगड़ी वाली पढ़ाई अगर आप नहीं कर सकते जी, बहुत अगर आप अच्छे से अगर आप मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं जी, तो फिर यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप. ओके, दीपांशु ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली. आई थिंक मैं सभी लोगों से भी ये कहना चाहूँगी, जो भी बच्चे सोच रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए और पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, कि अगर आपको पता है कि आप कर लेंगे, आपको विश्वास है पूरा. और अरण्य ने भी सेम बात रिपीट की थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा था और मुझे पता था मुझे राइट गाइडेंस चाहिए तो मैं कर लूँगा, और खुद से नहीं हो पा रहा था लेकिन मुझे वो कहीं पता था कि एक गैप है बीच में, वो ब्रिज हुआ तो मैं कर पाया गाइडेंस की वजह से. तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि इसलिए करें ड्रॉप कि आपको पता है कि यू विल मेक इट, है ना जी. अगर आपको खुद को ही लगता है और खुद पे ही अगर विश्वास है आपका कि अगर आप एक साल या 6-7 महीने 8 महीने 9 महीने अगर आप अपनी तैयारी को देके और उससे एक अच्छा आउटपुट अगर आप निकाल सकते हैं, तो फिर टेकिंग ड्रॉप अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी राइट डिसीजन फॉर यू. ओके, दैट्स गुड. अच्छा ये बताइए दीपांशु, जब आप यहाँ आए कोटा, एक साल का आपका यहाँ पे सफर रहा, आपने बताया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाई के अलावा भी, तो किस तरह से शेड्यूल रहता था सुबह से शाम तक का पढ़ाई के साथ साथ? एक्चुअली माई शेड्यूल वॉज क्वाइट हेक्टिक. ओके, सो आई हैड 4 क्लासेज फ्रॉम मॉर्निंग. And my classes started from 6:30 a.m. in the morning. Okay. So, I used to wake up at 5. Okay. And मैं ready होता था 6 बजे तक. Right. फिर 6 बजे के बाद फिर मैं 6:30 की class में जाता था. Okay. सुबह I used to take 1 or 2 apples. Right. Before going to class. Okay. And then 5 minute walk to Allen. Okay. And यहीं पे एलन में हमारी क्लास लगती थी. फिर 6:30 से क्लास शुरू होके 4 क्लास होती थी हमारी 1.5 आवर्स की. तो फिर वो 1:30 बजे तक मैं यहाँ से एलन से फ्री होता था. तो फिर उसके बाद मैं 1:30 बजे के बाद अपने मैस जाता था खाना खाने. और लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में मैं अपने रूम पे वापस आ जाता था. फिर मैं 1.5 या 2 घंटा पढ़ने की कोशिश करता था लगभग 4:30-5 तक. और अगर मेरे को नींद आ जाती थी उस दौरान तो फिर मैं मतलब सो ही जाता था. और फिर सो के मैं 6-6:30 के आसपास उठता था. फिर शाम को एक बारी 6:30 के आसपास मैं एक बारी बाहर थोड़ा 10-15 मिनट के लिए चाय पीने चला जाता था. फिर वहाँ से लगभग 6:30 तक वापस आके फिर मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ता था. और फिर 8 बजे तक पढ़ के फिर मैं शाम का खाना खाने मैस पे चला जाता था. फिर वहाँ से 8:30 से 9 के बीच वापस आके 2 घंटा या 2.5 घंटा फिर पढ़ता था. और फिर लगभग 11:30 के आसपास मैं सो जाता था. हाँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको फिर जी मैम अर्ली मॉर्निंग मेरे को 5-5:30 उठना होता था. ओके जी मैम, तो मेरा तो पूरा 6-7 महीने यही शेड्यूल रहा जब तक भी हमारी क्लासेस चली, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ. और मतलब बहुत ही रिग्रस एक तरह से मेहनत एलन ने हमसे कराई. लेकिन आप इसके लिए रेडी थे, राइट? जी मैम. और मेरे को इस पूरे सफर के दौरान बहुत मजा भी आया. यू नो आई एक्चुअली मतलब मेरे को तो बहुत पसंद था अपनी क्लासेस में जाना, क्लासेस अटेंड करना.
मेरे टीचर्स जो थे उनके साथ, सभी टीचर्स का मैं पहले थैंक यू भी करना चाहता हूँ, और उन सभी टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प भी की जी। और उनके साथ मेरा रिलेशन भी मेरे सभी टीचर्स के साथ एक बहुत ही डीप रिलेशन रहा मेरा पूरे साल के दौरान, और उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम को सोल्व भी किया, मेरे हर डाउट को भी सोल्व किया। और तो मेरे को तो अपने टीचर्स के साथ जाके उनसे इंटरेक्शन करना, उनकी क्लास में बैठना, मतलब थ्योरी पढ़ना जो वो पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को तो मतलब बहुत मजा आता था इस काम में। यानी प्रोसेस को और उस दौरान जब आप तैयारी कर रहे हैं उसको एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से उसको मेमोराइज कर पाते हैं। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू पॉइंटेड आउट, यू नो यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट फॉर सक्सेस आई थिंक। आपने पहले भी तैयारी की है की है ना, खुद से सेल्फ स्टडी करके, फिर आपकी लाइफ में आपने एक स्ट्रक्चर खुद डिसाइड किया कि आपको चूज करना है कि गाइडेंस चाहिए, आपने इंस्टीट्यूट को चुना और फिर आपने प्रेपरेशन की, तो क्या डिफरेंस लगा और कितना हेल्प मिली इस तरह से तैयारी करने में? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप एक सिस्टम में अपने आप को डाल देते हैं, उस सिस्टम पे आप भरोसा करते हैं, तो फिर मतलब वो सिस्टम आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर देता है, मतलब यू हैव लेस थिंग्स टू वरी अबाउट एंड यू ओनली हैव टू वरी अबाउट ओनली योर स्टडी, और उसके अलावा आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि मेरे को क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और मतलब और मेरे को क्या क्या करना है। तो ये सब चीज़ों की जो चिंता है वो जैसे मेरे लिए मेरे एलन ने इन सभी चीज़ों की चिंता मतलब मेरे लिए कर ली, और मेरे को तो बस इसी बात की चिंता करनी पड़ी कि मैं दिन में मतलब कितना पढ़ूँ, 5 घंटे 6 घंटे, तो बस उसी चीज़ की चिंता रही मेरे को, और बस वही मैं करता गया पूरे साल और मेरा रिजल्ट आ गया। दीपांशु, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सिस्टम में, आप जो भी इंस्टीट्यूशन चुनते हैं वहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, एलन में आपके लिए डाउट काउंटर्स है, आप यहाँ पे टेस्ट भी देते हैं, खुद को एनालाइज भी करते हैं, फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल है, जब भी चाहें रीच आउट कर सकते हैं, काउंसलर्स हैं अगर कभी लो फील कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगी इस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप ये क्रैक कर पाए और उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और जो भी बाकी फैक्टर्स हैं? जी मैम, तो मैम सबसे पहले तो जैसे अच्छे टीचर्स मेरे को यहाँ एलएन में मिले जी। तो वैसे मेरे को ऑनलाइन में तो कभी मिले नहीं थे, और मतलब जिस लेवल की उन्होंने मेरे को थ्योरी पढ़ाई पूरे साल के दौरान, तो मैंने पहली बात तो उतनी अच्छे से कभी थ्योरी ही नहीं पढ़ी थी जी। केमिस्ट्री में मैं खास कर बात करूँ तो मतलब मेरे को हमेशा मतलब 11th 12th में जहाँ से भी मैं पढ़ा था तो वो ऐसा फील होता था कि मतलब सब कुछ रटना ही है केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे आके और अपने मज़ा आने लगा और अपने सर से जब पढ़ा तो उन्होंने मतलब एक ऐसा लगा कि नहीं बहुत कम ही रटना होता है, काफ़ी कुछ मतलब मेजर पोर्शन इसमें केमिस्ट्री में भी समझ के काम चलाया जा सकता है। तो मतलब केमिस्ट्री से एक फोबिया और जो हेट थी, एक तो वो आके यहाँ ख़त्म हुई, दूसरी बात जो मैथ्स और फिजिक्स के मैं प्रॉब्लम्स लगाता था उसके मतलब खुद से तो डाउट क्लियर नहीं हो पाते थे जब मैं 1-2 साल पहले तैयारी की थी, तो यहाँ पे मेरे जितने भी टीचर्स थे उन्होंने मेरे पूरे साल के दौरान सारे तो डाउट क्लियर किए अच्छे से, मतलब आई यूज टू गेट सेटिस्फाइड विद देयर सॉल्यूशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन, और जो भी वो मतलब मेरा डाउट सोल्व करते थे जी। तो पूरी तरह से जो भी मैंने डाउट पूछा अपने टीचर से उन्होंने अच्छे से मतलब मेरे को वो सॉल्यूशन भी बता दिया उसका, और एक तरह से मेरे को सेटिस्फाई भी कर दिया, वो सॉल्यूशन समझा भी दिया। और इसके अलावा डाउट काउंटर की जैसे आपने बात बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे जी। और मैं तो अपने टीचर्स के पास जाता था डाउट पूछने के लिए, तो वो मेरे को टाइम बता देते थे कि इस टाइम यहाँ पे आ जा डाउट पूछने, तो मैं चला जाता था। और इसके अलावा जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं पूरे साल के दौरान, हर 15 या 20 दिन में एक टेस्ट होता है, क्या वो हेल्प करते हैं आपको बेटर करने में? वो तो मैम वो तो बहुत ज़्यादा एक मेजर हेल्प जो पूरी प्रिपरेशन में की है वो उन्हीं टेस्ट ने की है, पूरे साल के दौरान 10-15-20 जितने भी टेस्ट हुए वो मतलब बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट आते हैं हमारे, और मतलब दे आर अप टू द मार्क टू जेई एडवांस लेवल, और तो उन टेस्ट को 1 by 1 अगर आप हर एक टेस्ट को करते जाएँ और
15 दिन के बाद अगले टेस्ट पे फोकस करके उस चैप्टर में, उस टेस्ट में जो जो चैप्टर आ रहे हैं बस उनको अपनी कमांड में करते जाएं, एक बार में टेक वन चैप्टर एट ए टाइम, और एक एक करके सभी चैप्टर्स को आप पूरे सिलेबस के उसको आप अपने मतलब कमांड में लेते जाएं, तो फिर आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है और फिर रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। So you believe in strategy, following a system and structure. Your story is basically inspiration for all those droppers जिन्होंने अभी decision लिया है, for all those people as well जिन जो कि अब preparation शुरू करने वाले हैं, first attempt देने वाले हैं, क्योंकि हर किसी को एक structure की ज़रूरत होती है, एक discipline की ज़रूरत होती है। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज़ जो I think सभी students भी जानना चाहते हैं, हर किसी को एक स्ट्रैटेजी चाहिए, तो अगर बात करें हर एक सब्जेक्ट की, बीट केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही ये जो एक साल आपने फिर से प्रिपेयर किया ड्रॉप लेने के बाद? सो मैम, केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो थे मेरे टीचर्स के क्लास नोट्स। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प की, तो उससे मतलब मेरा चैप्टर क्लियर हो जाता था, थ्योरी क्लियर हो जाती थी। उसके बाद जो हमारा एलन का मटेरियल है केमिस्ट्री का, वो वाकई में बहुत शानदार है। हमारी जितनी भी शीट्स हैं, रेसिस हैं, तो वो मतलब बहुत अच्छे लेवल की हैं। और बस इतना अगर आप कर लेते हैं केमिस्ट्री में, तो मेरे हिसाब से जे एडवांस का एग्ज़ाम आपको आसान ही लगता है केमिस्ट्री में। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो पिछले साल मेरे केमिस्ट्री में कुछ 20 या 25 नंबर थे 120 में से, और इस साल मेरे केमिस्ट्री में 95 आए हैं। तो मैंने तो बस अपने टीचर के क्लास नोट्स किए हैं, और जो हमारा एलन का मटेरियल है जो पूरे साल के दौरान हमको मिलता रहा टाइम टू टाइम, वो मैंने सोल्व किया। उसके अलावा मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में भी जो हमारा एलन का मटेरियल होता है वो बहुत शानदार होता है, और मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने में तो मेरे को ज़्यादा मज़ा भी आता था। और जैसे मैं केमिस्ट्री से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही पढ़ता था मैथ्स को और फिजिक्स को, और क्योंकि केमिस्ट्री आसानी से मतलब मेरी मैनेज हो जाती थी, जो भी मैंने बताया भी बस इतना करने से केमिस्ट्री मैनेज हो जाती थी। तो फिर मैथ्स और फिजिक्स में एक तो हमारे टीचर्स के जो लेक्चर्स होते थे, उनके अलावा मैं हमारा जो एलन का मटेरियल है वो काफ़ी शानदार है। उसके अलावा फिजिक्स में मैं खासकर अगर एक बात बताऊं तो फिजिक्स में इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, और खासकर जो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन होता है तो वो तो मतलब उसमें तो मेरे को ठीक ठाक कमांड थी, तो फिजिक्स में तो इतने से काम चल जाता है। और बस इतना ही किया था फिजिक्स में, और मैथ्स में एलन का हमारा मटेरियल किया था। बस यही किया था। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही स्ट्रेटजी में ही, जब आप बता रहे हैं कि फिजिक्स में आपको मज़ा आता था, ये पढ़ाई करने में आपको मज़ा आता था, और साथ में आपने बोला बहुत मेहनत भी करवाई, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना कि मज़ा आना और साथ में मेहनत करना, आई थिंक यही स्ट्रेटजी को हम लोग डीकोड अगर कर सकते हैं तो यही है। डेडली कॉम्बिनेशन, हाँ डेडली कॉम्बिनेशन है, और यही आई थिंक क्रैक करने के लिए सक्सेस का वन ऑफ द मंत्रास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक फैक्टर नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताइए दीपांशु, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था और एक साल फिर से आपको देना था, तो इस दौरान डेफिनेट सी बातें हाईज एंड लोज होते हैं आपका, तो खुद को कैसे फोकस रखा, मोटिवेटेड रखा, और बाद में वन ऑफ द टॉपर्स यू हैव बिकम, सो वो कैसे हुआ, कैसे ये हो पाया? तो मैम, ड्रॉप ईयर में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं बिल्कुल, क्योंकि पूरा 11th 12th का सिलेबस आपको कम टाइम में करना होता है, और उसमें ऊपर से भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो अगले साल भी कुछ नहीं होने वाला, तो डिटेल में भी पढ़ाई करनी पड़ती है और जल्दी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर मेरे को इस दौरान कभी कभी टेस्ट में नंबर कम आ जाते थे, और कभी अगर तबीयत खराब हो जाती थी या फिर तो मेरे को ऐसी कोई भी दिक्कत आती थी, या कभी मैं लो फील करता था, तो मतलब मैं अपने सर से जाके, मतलब मेरे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर हैं, तो मैं उनको खास कर मेंशन करना चाहूँगा, तो मतलब ही इज लाइक ए फादर फिगर टू मी। तो फिर मैं उनके पास ही जाता था, और वो मेरे को कहते थे कि मतलब बहुत अच्छी लाइफ तेरा इंतज़ार कर रही है आईआईटी के बाद, तो किसी तरह से मतलब वो मेरे को उस नीचे जो मेरा लो फील मैं करता था मेरे को उससे निकाल लेते थे, और मतलब मेरे को फिर पढ़ाई के रास्ते पर लगा देते थे, और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से भी मोटिवेशन खुद का था कि अब तो
ड्रॉप भी ले लिया, कोटा भी आ गया, अगर अब नहीं कर पाया तो फिर कब करूँगा। तो मतलब मेरे पास सब कुछ था जो भी मेरे को चाहिए था, तो फिर उसके बाद तो मतलब मेरे को करना ही था। बिल्कुल, यानी पहले खुद का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जी मैम, और खुद को मोटिवेट एंड फोकस रखने के लिए जो आपके आसपास राइट पीपल हैं उनसे सराउंड करना खुद को इम्पोर्टेंट है, गाइडेंस इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे जब आपको लगे कि अभी कुछ ज़्यादा आगे नज़र नहीं आ रहा है, तो वन स्टेप एट ए टाइम जो आपको बताएं, ऐसे आपके गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दीपांशु, अब अंत में ये बताइए, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, इससे पहले कि हम आप मैसेज लें आपसे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपको लगता है आपके लिए पर्सनली जिन्होंने काम किया जो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो विच वेंट रियली राइट फॉर यू? जी मैम, तो सबसे पहले तो मैं एक फैक्टर का नाम लेना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी, अगर आप मतलब सिंपल काम को ही अगर आप एक लंबे टाइम के लिए 8 महीने या 1 साल, तो इतने लंबे टाइम तक अगर आप सिंपल काम से मतलब रोज़ क्लास जाना, कोई भी क्लास मिस ना करना, कोई भी टेस्ट मिस ना करना, होमवर्क जो सर ने दिया है वो करते रहना, मतलब ये सिंपल काम है, ये कोई आउटस्टैंडिंग काम तो है नहीं। तो बस इस सिंपल काम को ही अगर आप एक लंबे समय तक कर लेते हैं तो फिर एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ जाता है आपका। तो जी मैम, और एक हार्डवर्क तो करना ही है, और उसके हार्डवर्क भी सही डायरेक्शन में आपको करना है, क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में कुछ भी पढ़ते रहे या सब्जेक्ट में टाइम किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा दे दिया तो फिर वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान करा देगा। तो फिर सही डायरेक्शन तो मेरे को एलन ने दे दी थी, और हार्डवर्क मैं करता गया पूरे साल। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मतलब अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, हेल्थ जो है उसको भी, अगर आप मतलब ड्रॉप ले रहे हैं और कोटा आ रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप हेल्थ आपकी बिगड़ गई तो आपके 2-4 दिन तो वैसे ही चले जाएंगे, आप कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे उन 2-4 दिन में, और डिस्ट्रैक्शन से और फ़ोन से आप दूर रहें कम से कम 1 साल के लिए, क्योंकि इट विल बी वर्थ इट, whatever sacrifices you made, at the end you will feel that they are more than worth it. Of course. Yes, ma'am. तो यही कहूँगा, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें क्योंकि अगर आप मतलब हमेशा ही बीमार रहते हैं तो अच्छे इंजीनियर तो आप वैसे भी नहीं बन पाएंगे। अगर आप, बहुत अच्छे से आपने बताया, mental, physical, well-being, consistency, हार्ड वर्क और साथ में राइट गाइडेंस, तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है अब वो आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाता है। दीपांशु, अंत में उन सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स जो कि एस्पिरेंट्स हैं, जेई क्रैक करना चाहते हैं या नीट क्रैक करना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे? जी मैम, तो पेरेंट्स को तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब अगर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा है तो फिर जो डिसीजंस आपका वार्ड जो है वो लेना चाहता है तो उस डिसीजंस को लेके आप अपने वार्ड को सपोर्ट करें, थोड़ा उस पर विश्वास रखें, थोड़ा उसको मतलब मोटिवेट करते रहें। मतलब कई पेरेंट्स मतलब कई बार कहते रहते कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो वो वैसे हरियाणा में तो खासकर ऐसे मजाक में कहते ही हैं लोग, तो फिर लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे तो वो मतलब मेरे को सपोर्ट करते थे। तो फिर आप भी मतलब विश्वास कर रखें अपने बच्चे पर थोड़ा, और मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि बस पढ़ते रहें, और बस आपका जो भी आपका गिल्ट है ना कि मैंने सो ज़्यादा लिया या मोबाइल ज़्यादा चला लिया, तो वो सारा गिल्ट आपका बस एक ही तरीके से निकलेगा कि अगर आप मतलब लगन से पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर अगर आप 6 घंटे एक दिन में लगन से पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको एकदम मतलब चैन की नींद आएगी और कोई गिल्ट आपको सोते हुए नहीं होगा। तो फिर बस पढ़ाई करते रहें, सेहत का ध्यान रखें, और जो हमारे टीचर्स हैं अगर आप एलन में हैं तो उन टीचर्स पे आप पूरा भरोसा रखें, क्योंकि वो वाकई में एक शानदार टीचर्स हैं, और एलन के मटेरियल पे आप अपना पूरा भरोसा रखें, और एलन वाकई में एक महान संस्थान मैं कहूँगा एलन को, क्योंकि मतलब मैं पूरा 1 साल से इस सिस्टम में हूँ, कोटा में हूँ, तो वाकई में एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन है हमारा एलन, और आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अ सपोर्ट पार्ट ऑफ इट। तो फिर अपने टीचर्स पे आप भरोसा रखें, एलन पे आप भरोसा रखें,
खुद पर आप भरोसा रखें और बस मेहनत करते जाएं, और जिस टाइम पे आपको मतलब सामने बिल्कुल अंधेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, जेई में भी नंबर कम आएंगे, कुछ नहीं होने वाला इस साल भी, तो फिर उस टाइम पे भी आप बस अगर आपने मतलब मेहनत करी है पूरे साल और 5-6 घंटे आप पढ़े हैं, तो आखिरी 2 महीनों में मतलब अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो बस आप कुछ नहीं करना, आपको आप बस आँख बंद करें और बस अंधेरे रास्ते पर आप चलते जाएं और उजाला थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएगा और फिर आपको लगेगा कि जो भी मैंने मेहनत की वो वाकई में इसके लायक थी जी। तो फिर आपको बिल्कुल भी मतलब कोई भी वो नहीं रहेगा कि मैंने मतलब कुछ भी गलत किया है, आप मतलब 100% सेटिस्फाइड होंगे आप अपने रिजल्ट के साथ अगर आप लगातार मतलब मेहनत करते जा रहे हैं पूरे साल के दौरान। और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी ये रैंक आ जाएगी, तो मैं भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप बच्चा था, लेकिन बस अपने टीचर्स के साथ मैं पूरे साल संपर्क में रहा और एलन ने जो भी मेरे को करने को कहा वो मैं करता गया और मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी रैंक मेरी आ गई। तो मैं सबसे एक बार फिर से मैं अपने टीचर्स का थैंक यू, एलन का थैंक यू और पूरे एलन कोटा का मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि यू आर रियली अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। थैंक यू एलन कोटा। थैंक यू दीपांशु, आपने अपनी जर्नी शेयर की हमसे और ये पूरी स्ट्रैटेजी शेयर की। घर पे क्या माहौल है, हरियाणा में क्या चल रहा है इस वक्त, पेरेंट्स और दादा दादी सब लोग कैसा फील कर रहे हैं? तो सब लोग पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे रैंक देख के और मैं खुद भी ज़्यादा खुश हो गया था। तो मैं एक्चुअली उस टाइम पे खेतों में गया हुआ था जिस टाइम पे मेरा रिजल्ट आया, मैंने वहीं पे अपना रिजल्ट चेक किया और मैं तो अपने कपड़े वगैरह उतार के वहीं पे रेत में ही मतलब गोते लगाने लगा खेतों में रेत में ही, और मैं तो मतलब ऊपर से नीचे पूरा रेत में सन गया था एकदम। और आपके मम्मी और आपके दादा दादी? तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था और मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब रिजल्ट आया, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट आ गया, तो फिर और घर पे भी फिर एक सेलिब्रेशन का माहौल था, बाहर से रिश्तेदार कुछ आए, आस पड़ोस के लोग आए, सभी ने अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया। और जब से मैं एक बार फिर से अपने टीचर से मिलने यहाँ पे कोटा आया था, तो फिर तब से जब मैं 2-3 दिन से एलन आया हूँ यहाँ पे वापस कोटा, तो एकदम सभी पूरे एलन ने मेरे सभी टीचर्स ने मेरे को मतलब इतना ज़्यादा सम्मान मेरे को कभी मिलेगा वो मैंने कभी सोचा नहीं था, और मतलब सम्मान अभी भी मिलता ही जा रहा है। बिल्कुल। और बस मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल वट एवर मेरे को मिल रहा है जो जी, भी जी। दीपांशु, आपकी कहानी जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और पूरी ताकत लगा देते हैं, और फिर अल्टीमेटली यही होता है जैसे आपने बोला कि सेलिब्रेशन चल रहा है, दुनिया आपको फिर सेलिब्रेट करती है। सो वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग यू एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।